अब हम पांचवे प्रतिरूप जिसे तारक प्रतिरूप भी कहा जाता है इस पर चर्चा करेंगे ये स्टार लाइक सेटलमेंट भी हम इसे कहते हैं और ये तब विकसित होंगे पहले तो ग्रामीण बस्तियों का अरी प्रतिरूप विकसित होता है मतलब किसी एक केंद्र पर ग्रामीण क्षेत्र के चारों तरफ से या हम ये कहें कई मार्गों से आ, कई मार्ग जो हैं अलग अलग दिशाओं से आकर उस केंद्र पर मिलते हैं या ये भी हो सकता है कि उस केंद्र से अलग अलग दिशाओं की तरफ मार्ग जो है वो जाएंगे फिर क्रमशः ये अरी प्रतिरूप जो है वो विकसित हो जा आ, होता जाता है और उसके बाद फिर जो दूसरा उसका विकसित प्रतिरूप वो तारक प्रतिरूप के रूप में हमें नज़र आता है मतलब वो आकृति या सेटलमेंट का वो पैटर्न जो है वो तारे की आकृति का हो जाता है जिसे हम तारक प्रतिरूप कहते हैं और हम भारत में बात करेंगे कि इस प्रतिरूप की ग्रामीण बस्तियाँ कहाँ पर सर्वाधिक मिलती हैं तो ये हमें पंजाब हरियाणा बिहार जो हमारे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के जो राज्य हैं यहाँ पर सबसे अधिक मिलते हैं और सर्वाधिक जो मात्रा है उसकी यदि हम बात करें तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य के उहाना और मोहना गांव जो है वो इसके वो तो इस स्पष्ट प्रतिरूप को जो है बताते हैं जो तारक प्रतिरूप के रूप में विकसित हुए हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं गोलाकार प्रतिरूप यह हम इसे सर्कुलर पैटर्न भी कहते हैं ये प्रतिरूप जो है उस स्थिति में विकसित होगा जहाँ कहीं भी कोई तालाब है या कुआं है या किसी झील के चारों ओर बस्तियाँ जो हैं बस जाती हैं या लोग अपना घर मकान वहाँ पर बनाकर निवास करने लगते हैं और इसका एकमात्र कारण होगा जो हमने कहा था कि बस्तियाँ वहीं पर विकसित होती हैं जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है तो चूँकि झील है या तालाब या कुएँ की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर लोगों की जल की उपलब्धता हो रही है और जल उनके दैनिक दिनचर्या की चीज़ों के लिए आवश्यक है सिंचाई के लिए पीने के लिए हर कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है तो जब भी आ, हमने कहा कि तालाब झील या ये बावड़ी के चारों ओर लोग घर बनाकर निवास करने लगते हैं या आ, उसका उन बस्तियों का जो आ, प्रतिरूप है वो चारों ओर वृत्त के आकार में गोलाकार रूप में विकसित होने लगता है तो हम इसे गोलाकार प्रतिरूप जो है कहते हैं अब इनकी सर्वाधिक जो संख्या है इस प्रतिरूप की वो हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश इन दो राज्यों में पूरे भारत में सर्वाधिक जो है इस प्रतिरूप की ग्रामीण बस्तियां हमें देखने को मिलती हैं अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है सातवें नंबर का आयताकार प्रतिरूप या जिसे हम रेक्टेंगुलर पैटर्न के नाम से भी जानते हैं और ये प्रतिरूप जो है तब विकसित होगा जब किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं और मैं बार बार जब ग्रामीण बस्तियाँ कह रही हूँ तो आगे हम नगरीय बस्तियाँ पढ़ेंगे तो नगरीय या ग्रामीण बस्तियों में दोनों में प्रतिरूप जो है वो हमको एक समान मिलेंगे अंतर हम आ, उनकी वहाँ पर मिलने वाली जो सुविधाएं हैं चाहे वो प्रशासनिक रूप में हों परिवहन संबंधी हो तब उसमें अंतर आएगा लेकिन ये प्रतिरूप जो हम ग्रामीण बस्तियों में पढ़ रहे हैं वही हमें नगरीय बस्तियों में भी देखने को मिलेगा तो हम बात कर रहे थे आयताकार प्रतिरूप के विषय में और ये आकृति उस समय विकसित होती है जब दो मार्ग कोई भी दो सड़क मार्ग जो है वो समानांतर एक दूसरे को एक सड़क हुई दूसरी सड़क हुई और उसके समानांतर और दो सड़कें जो हैं उसे लगभग समकोण पर काटती हैं तो एक जो प्रतिरूप है ये आयताकार रूप में विकसित होता है और वहाँ पर जो बस्तियाँ हैं वो आ, हर मार्ग के सहारे सहारे समानांतर रूप में विकसित हो जाती हैं दोनों ओर एक सड़क है उसके एक छोर पर भी बस्तियाँ विकसित होंगी और उसके दूसरे छोर पर भी उसी समान रूप से बस्तियाँ जो है वो बस्ती जाती हैं तो ये आयताकार प्रतिरूप कहलाता है और ये हमारे भारत में हम देखेंगे कि सूरतगढ़ हनुमानगढ़ गंगानगर और भारत का जितना हम यहाँ पर उत्तरी मैदान देख रहे हैं चूँकि यहाँ पर जनसंख्या भी हमको सबसे अधिक मिलती है समतल मैदान है इस कारण से तो ग्रामीण बस्तियों का भी जो सर्वाधिक हम कह सकते हैं प्रतिरूप जो है वो यहीं पर देखने को मिलता है अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तीर प्रतिरूप तीर प्रतिरूप जो है ये किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर हम कह सकते हैं अंतरीप है ना समुद्र का वो तटीय क्षेत्र जहाँ पर जिसके अंदर कोई स्थल भाग चाहे वो महाद्वीप का स्थलीय भाग हो सकता है या कोई भी भूखंड जो है वो समुद्र के अंदर घुसने की कोशिश करता है या हम कहें कि उसका समुद्र की तरफ जली भाग की तरफ निकला हुआ जो हिस्सा है उसे हम अंतरीप कह रहे हैं तो उस अंतरीप के सहारे या फिर जहाँ पर जो दो नदियाँ हैं कोई भी दो नदियाँ जो एकदम नुकीले रूप में तीव्र ढाल बनाती हुई एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ पर हमारे तीर प्रतिरूप जो है उसका निर्माण होता है और इसमें भी हम देखेंगे जो उसका खुला हुआ हिस्सा है उसके विपरीत भाग में ग्रामीण बस्तियाँ जो हैं वो विकसित होती जाती हैं और साथ ही साथ उसकी दोनों भुजाओं में भी बस्तियों का विकास होता है अब जब हम अंतरीप कह रहे हैं तो हमारे दिमाग में सहज ही आ जाना चाहिए कि हमारे दक्षिण भारत का जो हम कुमारी अंतरीप दक्षिणतम छोर की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो बस्तियाँ विकसित होंगी वो इसी प्रतिरूप में विकसित होंगी तो ये हो गई आ, आपकी तीर प्रतिरूप की बात अब हम नेक्स्ट देखते हैं पंखाकार प्रतिरूप पंखाकार प्रतिरूप का जो विकास है वो किसी भी डेल्टाई क्षेत्र में या हम कहें डेल्टाई मैदानी भाग में जब डेल्टाई मैदानी भाग कह रहे हैं तो ये भी हमको पता है कि नदियाँ जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर जब वो समुद्र से मिलने वाली होती है उसका ढाल जो है वो बहुत मंद हो जाता है और उसमें इतनी शक्ति नहीं रह जाती है कि वो अपने साथ लाए हुए अवसाद को लेकर चल पाए तो वो जहाँ तहाँ उस उन अवसादों को छोड़ती हुई आगे बढ़ती है तो जिससे पार्ट पार्ट में वो अलग अलग हिस्से में विभाजित होकर नदी जो है प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिलती है तो उसके द्वारा जो लाए हुए अवसाद हैं वो उसके छोर पर इकट्ठे होते जाते हैं जिससे वो भूभाग ऊपर उठ जाता है और चूँकि अवसाद या हम ये कहें कि जलोढ़ आ, निक्षेपित वो मैदान विकसित हो जाता है इसलिए वो एक उपजाऊ मैदान है जो कृषि कार्य के दृष्टिकोण से या हम ये कहें कि कोई भी उत्पादन या उपज हमें लगानी है तो ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी जो है या हम ये कहें उपजाऊ भूभाग हमें उपलब्ध कराता है तो उसके हर आ, हम ये कहें कि उन नदियों की शाखाओं वाले हिस्से में अलग अलग शाखाओं से होकर वो विभाजित होकर आ, समुद्र में मिलती है तो जिस हिस्से से वो बढ़ती जाती है उन सभी भागों में बस्तियाँ जो हैं वो लोग अपने आवाज़ बनाकर रहने लगते हैं और बस्तियों का विकास होता है तो ये प्रतिरूप जो है पंखाकार प्रतिरूप का निर्माण करता है अब हम नेक्स्ट देखते हैं सीढ़ी प्रतिरूप या सीढ़ी नुमा प्रतिरूप ये हम इसे टेरेस्ड पैटर्न भी कहते हैं और नेचुरली है सीढ़ी नुमा जब हम कह रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये बात ज़रूर आनी चाहिए कि हम किसी भी पहाड़ी क्षेत्र या ऊबड़ खाबड़ वाले हिस्से की बात कर रहे हैं और हम सभी को पता है कि अगर हम भारत में देखें तो हमारे हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र हैं चाहे हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें या फिर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में तो हम ये देखेंगे कि चूंकि पूरा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर समतल भूभाग का अभाव होता है जिस कारण से लोग वहाँ पर पहाड़ियों को काटकर समतल बनाते हैं और सीढ़ी नुमा खेत बनाकर वहाँ पर वो अपनी दिनचर्या चलाते हैं और वो जो खेत बनाते हैं जो पहाड़ी नुमा हम कह सकते हैं भूभाग है उसे काट दिया और फिर वो ऊपर उप, उठा हुआ भूभाग हुआ फिर उसे काट कर समतल बनाया तो एक सीढ़ी नुमा प्रतिरूप जो है वो विकसित हो जा होता जाता है और जो खेत बनाते हैं जहाँ पर वो कृषि कार्य करते हैं उसी के आसपास वो बस्ती बनाकर या हम ये कहें कि उनका घर जो है उस खेत में ही स्थित होता है और वो वहीं पर निवास करते हैं तो जब हम सीढ़ी नुमा प्रतिरूप की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में अपने भारत का पूरा उत्तर पूर्वी राज्य या हमारे हिमालय का पूरा रेंज वो पूरी पर्वत श्रेणी उसका निचला हिस्सा जहाँ पर मनुष्य निवास कर सकता है वहाँ पर हमें ये सीढ़ी नुमा प्रतिरूप देखने को मिलेगा अब अगला प्रतिरूप है आपका मधुमक्खी के छत्ते का जो प्रतिरूप है मतलब हम ये आ, दिमाग में ला सकते हैं आप अक्सर ये देखते होंगे आपके घर के आसपास या किसी भी बिल्डिंग में मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है तो उस प्रतिरूप की भांति या उस पैटर्न में जब बस्तियाँ विकसित होती हैं तो हम उसे मधुमक्खी छत्ते का प्रतिरूप जो है ग्रामीण बस्तियों का कहते हैं अब वो कैसे विकसित होगा वो कोई एक चीज़ होगी या तो सुरक्षात्मक दृष्टि से मतलब लोगों को हमने पहले भी बात की है कि लोगों में जब सुरक्षा की भावना किसी चीज़ का डर होता है चोरी हो गई डकैती हो गई या किसी भी प्रकार के आतंक का जब उनके दिमाग में भय होता है तो लोग जो हैं वो एकजुट होकर रहना पसंद करते हैं और जब वो एक साथ एक झुंड में रहते हैं तो इस प्रकार के प्रतिरूप का जो है वो विकास होता है और हम भारत में देखेंगे तो भारत की जो टोडा जनजाति है वो उनका जो आवास है या हम ये कहें कि उनकी जो बस्तियां हैं वो इसी प्रतिरूप में विकसित हुई देखने को मिलती है हमें और साथ ही साथ जब हम आंध्र प्रदेश में चले जाते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो मछुआरे हैं उनकी बस्तियां भी इसी प्रतिरूप में विकसित हुई मिलती हैं हमने अभी बार बार हम ये रिपीट कर रहे हैं कि बस्तियों के बस्ती का जो प्रतिरूप है उसके विकसित होने के पीछे सिर्फ एक मात्र कारण होता है एक तो जो हमने लीनियर पैटर्न की बात की थी तो वो सड़क मार्ग के सहारे या नदियों के सहारे जो है उसके दोनों छोर पर बस्तियां जब बस्ती जाती हैं तो वो एक लीनियर पैटर्न या रैखिक प्रतिरूप का निर्माण करती है और जो जल है वो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है तो जहाँ भी जल के सोर्स मिलेंगे जैसे हमने पश्चिमी राजस्थान की बात की थी जो उसके शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र हैं हम देखते हैं कि हमारा पूरा पश्चिमी जो राजस्थान है वो आ, मरुस्थली क्षेत्र है विशाल मरुस्थल है तो वहाँ पर भू जल का भूमिगत जल का कोई भी एक सोर्स मिलता है तो वहाँ पर हमें एकदम सघन बस्तियाँ देखने को मिलती हैं पानी के जो एक सोर्स के सहारे लोगों को लगता है यहाँ पर जल की उपलब्धता है और लोग उसके आसपास उसके चारों ओर ही आ, बसना चाहते हैं या निवास करना चाहते हैं तो या तो हम जल की उपलब्धता की बात करें या उपजाऊ मैदान या हम कहें समतल भूभाग ये सब जो हैं वो बस्ती के प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं या हम ये कहें कि उसका निर्माण करते हैं उसके पीछे एकमात्र जो कारण है ये चाहे हम जो स्थलाकृतिक उच्चावच की हमने बात की थी जो भौतिक कारक हैं सांस्कृतिक कारक की हमने बात की थी और ऐतिहासिक कारक जिसमें सुरक्षा संबंधी जो फैक्टर्स हैं वो भी इस पर प्रभाव डालते हैं तो हमने देखा कि ये जो प्रतिरूप थे वो आपके ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप देखें और यही प्रतिरूप जो हैं वो आपको जब हम नगरी बस्तियों के विषय में बात करेंगे तो यही प्रतिरूप हमें नगरी बस्तियों में भी देखने को मिलेंगे बच्चों अब अभी तक हमने बात की ग्रामीण बस्तियों के विषय में अब आगे हम देखते हैं बस्तियों का जो दूसरा प्रकार है नगरी बस्तियाँ अगर हम नगर या शहर कह रहे हैं तो हमारे दिमाग में तो उसकी इमेजिनेशन में ऐसे ही आ जाता है कि नगर हम किसी भी नगर में जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर या कैसी संरचना वहाँ पर देखने को मिलेगी वहाँ पर चौड़ी चौड़ी पक्की सड़कें हमको देखने को मिलेंगी मतलब यदि हम परिवहन सुविधा की बात करें तो हम देखेंगे कि हमें नेशनल हाईवेज़ बड़े बड़े जो हाईवेज़ हैं या हर क्षेत्र में हमको वहाँ पर उसके हर भाग में उस नगर के पक्की सड़कें देखने को मिलेंगी साथ ही साथ हम देखेंगे कि मनोरंजन के साधन के रूप में चाहे वो गार्डन हो मंदिर हो सांस्कृतिक संरचना की बात करें मंदिर मस्जिद है ना प्रशासनिक इकाई भी हमें किसी भी नगरी क्षेत्र में ही देखने को मिलेगी चाहे हम आ, आयकर ऑफिस की बात कर लें कोई न्यायालय की आ, बात कर लें या किसी पुलिस थाने की बात कर लें तो कोई भी प्रशासनिक जो इकाई है या ऑफिसज जो हैं वो हम हमें आ, उन नगरीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलेंगे हमें ग्रामीण क्षेत्रों में ये संरचना देखने को नहीं मिल रही थी हाँ यदि हम शहर में चले जाएं तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ चाहे वो गाड़ियों की हो या हम लोगों की बात करें तो भीड़ वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है बहुत बहुमंजिला इमारतें क्योंकि वहाँ पर जगह का भाव होता है और जनसंख्या जो है वो अधिक होती है जिसके कारण हमें नगरों में भीड़ भाड़ भी जो है वो बहुत अधिक देखने को मिलती है और साथ ही हम देखेंगे जहाँ ग्रामीण जनसंख्या जो है वो अधिकतर प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई थी लेकिन हम नगरी जनसंख्या की जब बात करते हैं तो हम देखेंगे वहाँ पर लोग जो हैं वो द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में या प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर मैं ये कहूँ कि द्वितीयक तृतीयक या चतुर्थक व्यवसाय में अधिकतर जो है संलग्न होती है चाहे वो व्यापार से संबंधित हो वाणिज्य से संबंधित हो या सेवा से संबंधित हो तो ये सारी चीजें हमें जो है नगरीय संरचना में देखने को मिलती है हाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जब हम ग्रामीण बस्तियों की बात करें या नगरीय बस्तियों की तो दोनों में ही हमें एक क्रियात्मक संबंध जो है वो देखने को मिलता है दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है दोनों का विकास जो है वो एक दूसरे के संबंध पर डिपेंड करता है वो कैसे जैसे हम देख रहे हैं कि आपके शहर में या नगर में सब्जी आ रही है दूध आ रहा है है ना? तो कच्चे माल जो हैं वो आपके उस नगर के आसपास के क्षेत्रों से आते हैं या हम ये कहें कि मंगाए जाते हैं या आयात किए जाते हैं और यदि उस नगर में कोई आ, हम ये कहें कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं या बड़े कारखाने हैं कोई बड़ा उद्योग स्थापित हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उस उससे जो कच्चा माल है जिस पर वो उद्योग निर्धारित है वो सभी चीज़ें उस नगर में ही उत्पादित होती होंगी वो सब आपको कहाँ से आएंगे उसके आसपास के किसी न किसी क्षेत्र से वो नगर पर ही हर हर चीज़ जो है वो उत्पादन नहीं किया जाता है तो जो कच्चा माल है वो आसपास के उस ग्रामीण क्षेत्र से आयात किया जाता है और उस नगर में जो तैयार माल है वो वहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को निर्यात किया जाता है तो हम ये कहें कि कच्चे माल का आयात किया जा रहा है और आ, अगर हम वस्तुओं और सेवाओं की बात करेंगे तो ये जो है वो हमको नगरों में उपलब्ध कराई जा रही हैं तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में हमको एक क्रियात्मक संबंध जो है वो देखने को मिलता है अब उन्नीस की जनगणना के अनुसार भारत में जो नगर हैं उनको परिभाषित करने के लिए कुछ मापदंड जो हैं वो बनाए गए हैं तो वो मापदंड कौन से हैं पहले हम देख लेते हैं आ, यदि हम प्रशासनिक स्तर पर बात करें तो आ, ये माना गया है कि कोई भी नगर जो है वो उसकी जो संरचना वो कहाँ पर अधू अधिसूचित होना चाहिए या नोटिफाइड होना चाहिए चाहे वो छोटा नगर पालिका हो नगर निगम हो या किसी भी स्थानीय स्वशासन की इकाई जो है वो निर्धारित होनी चाहिए प्रशासन के स्तर पर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो उस नगर की जो जनसंख्या है वो लगभग पाँच हजार होनी चाहिए और घनत्व के विषय में हम बात करें तो उस नगर का या उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व जो है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए तभी उस क्षेत्र को हम नगर की संज्ञा देंगे या नगर जो है वो निर्धारित किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वहाँ की लगभग 75% परसेंट जो पुरुष जनसंख्या के हैं या फिर जनसंख्या जो है 75% परसेंट वो आपके द्वितीय तृतीयक या चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न होनी चाहिए तभी हम उस क्षेत्र को नगर की संज्ञा जो है वो प्रदान करेंगे अब नगर बनने के लिए क्या क्या मापदंड होने चाहिए इनकी बात हमने कर ली अब नगर का विकास कब से हुआ है इस पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखेंगे कि हम प्राचीन इतिहास पर नज़र डालें तो नगर का जो विकास है वो प्राचीन समय से ही लगभग प्रागैतिहासिक काल की हम बात करें तब से नगरों का विकास जो है वो हो रहा है मतलब लगभग 2000 से 3000 ईसा इस, पूर्व की हम बात करें तो तब से नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और इसके प्रमाण कैसे मिलते हैं कि ये साक्ष्य क्या है कि नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो आपके प्राग प्रागैतिहासिक काल से शुरू हो चुकी है वो हमें इतिहास में या हम ये कहें कि जो वर्तमान समय में जो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की खुदाई से जो प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि नगरीकरण की प्रक्रिया तब से ही शुरू हो चुकी है मतलब हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी उस समय पर एक नगर के रूप में विकसित थे अब हम भारतीय नगरों और जब उसके उद्भव उत्पत्ति या इतिहास की बात करते हैं तो हम उन्हें तीन वर्ग में रखते हैं प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन काल के नगर दूसरा मध्यकालीन नगर और तीसरे नंबर पर आधुनिक काल के जो नगर हैं इस विषय पर हम चर्चा करते हैं तो जब हम भारत के प्राचीन काल के नगरों के विषय में चर्चा करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में जब से आर्यों का आगमन हुआ है तब से या हम ये कहें कि आर्यों के आगमन के साथ साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विकसित होती गई या हम ये कहें कि सिंधु घाटी या सिंधु नदी के किनारे किनारे जो है वो आपके कुरुक्षेत्र हैं पाटलिपुत्र हैं और ये सब जो नगर हैं वो धार्मिक कारणों से धर्म के प्रभाव से प्रशासन के दृष्टिकोण से या सुरक्षात्मक कारणों से जो है वो इन नगरों का विकास होता गया फिर हम समय के साथ साथ जब आगे बढ़ते जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि जैसे ही भारत में मौर्यकालीन जो शासन स्थापित हुआ या मौर्य काल के समय में जो धर्म का प्रचार प्रसार है वो बहुत ज़ोर शोर से किया जाने लगा और धर्म के प्रचार के लिए नगरों में जो है वो अलग अलग मठ बनवाए गए जिसमें हम देखेंगे कि नगरों की जो संरचना है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया और इस दृष्टिकोण से हम जो प्रमुख नगर हैं उनकी बात करेंगे तो आपका नालंदा है मेरठ है सारनाथ है है ना या सांची और वैशाली नगर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सारे नगर जो हैं वो मौर्यकालीन शासन के दौरान जो है विकसित हो गए उसके बाद फिर आ, समय में परिवर्तन आया या हम ये कहें कि समय जैसे ही आगे बढ़ा और गुप्त काल की जब हम बात करते हैं या हम ये कहें कि जब हमारे भारत में गुप्तकालीन शासकों का प्रभुत्व आया तो उस समय पे जो नालंदा था वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो बन गया तो ये हो गई बात आपके भारत के प्राचीन नगरों की अब हम आते हैं मध्यकालीन नगरों पे। तो भारत में जो मध्यकालीन नगर हैं उनका विकास हर्षवर्धन जो थे साम राजा जो थे उनकी मृत्यु के पश्चात लगभग छः ईसा पूर्व से मध्यकालीन नगरों का इतिहास जो है वो शुरू हो जाता है जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उसके बाद भारत में जो राजपूत थे उनका शासन आ गया और वहाँ पर राजपुताना शासन किया जाने लगा और उस समय पे जो है वो चोरी और डकैती ये जो थे उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था या लोगों में इसका भय और आतंक रहता था तो वहाँ पर हम ये कहें कि राजपुताना नगर जो है मध्यकालीन जो इतिहास हम देखेंगे तो उस समय पे राजपुतानाओं के द्वारा नगरों का विकास किया गया और ये प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा या राजस्थान की हम बात करें तो इनमें जो प्रमुख नगर जो थे वो आपके चित्तौड़गढ़ उदयपुर जोधपुर रणथंभौर की हम बात करते हैं या हम मध्य प्रदेश राज्य में देखें तो ग्वालियर जो है वो इसी प्रकार का नगर था ओडिशा का जो कटक है वो भी उसी समय या इसी मध्यकालीन नगर का जो है बना हुआ है तो ये हो गई आपकी बात मध्यकालीन नगरों की